गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जो था उसका दो डिवीजन हम लोग किए थे, एक है इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट्स का चार फाइलम हम लोग पढ़ लिए हैं, एक है पॉडिफेरा, एक है निडारिया, एक है प्लैटिहेलमिंथस एंड निमाटोडा के बारे में हम लोग जान लिए हैं। आज हम लोग एक नया फाइलम के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो फाइलम का नाम है एनीलिडा। ये एनीलिडा ग्रुप में क्या क्या इसका खास करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो दिया है, बॉडी इज मेटामॉर्फिकली सेगमेंटेड एक्सटर्नली बाय ट्रांसवर्स ग्रुप्स, बाय इंटरनली बाय सेप्टा एंड सम ऑफ द इंटीरियर बॉडी सेगमेंट कॉन्सेंट्रेट टू द टू फॉर्म हेड। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो होता है अपना एनिमल्स यहाँ का, तो वो एनिमल का बॉडी जो जैसे कि बोले है मेटामॉर्फिकली सेगमेंटेड, उसका मतलब है उसका बॉडी ऐसे ही छोटा छोटा रिंग रिंग स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनते हैं। और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर अंदर से कुछ चीज से एक के साथ दूसरा जो रिंग है वो जुड़ा हुआ है, और बाहर वाला हिस्सा भी एक रिंग से दूसरा हिस्से को एक पतला सा पर्दा से जुड़ा हुआ है, लेकिन अंदर में जो हिस्सा है वो एक दूसरे के साथ सेपरेट रहते हैं। और उसका नाम है सेप्टा, ये है उसका नाम। और जहां पे इसका हेड पोर्शन होता है वहां पे थोड़ा सा ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा रहते हैं, एक साथ मिलके एक साथ ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा पास पास रहते हैं, बहुत सारा रिंग रिंग स्ट्रक्चर एक साथ इकट्ठा होके उसका हेड जो पोर्शन ये बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है आप लोगों का बुक में देखिए, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, बॉडी इज कवर्ड बाय ए थिन क्यूटिकल। तो इसका कोई एक्सोस्केलेटन नहीं रहता है। एक्सोस्केलेटन मतलब कुछ एनिमल्स, आप लोग इसके आगे वाला जो फाइलम हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, उसका बाहर वाला हिस्सा में एक एक्सोस्केलेटन, एक बाहर वाला एक आउटर कवरिंग जो बहुत ही हार्ड ऐसा रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई आउटर कवरिंग नहीं रहते हैं। बाहर वाला हिस्सा, लेकिन उसका बॉडी का जो बाहर वाला हिस्सा वो एक पतला सा क्यूटिकल से कवर्ड किया गया, जिससे कि उसका बॉडी प्रोटेक्शन दे सके, ठीक है। इसका नाम ओनली क्यूटिकल, ये एक्सोस्केलेटन लेकिन नहीं है। नंबर थ्री में देखिए क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सेगमेंटली arranged, paired lateral appendages, parapodia भी इसको कहते हैं, और chitinous city भी कहते हैं या चीटी भी कहते हैं। कैसे, इसका जो locomotory organs मतलब पैर जैसा कुछ structure, ऐसे बहुत सारा इसको appendages कहते हैं, चीटिया भी कह सकते हैं, चीटी भी कह सकते हैं। और इससे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसीलिए चलते हैं, इसीलिए इसको लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं इसका। नेक्स्ट है, इसका बॉडी में एक ट्यूब लाइक एलिमेंटरी कैनल है, मतलब कि एक उसमें छेद है जहां पे होल से वो खाना खाते हैं, और दूसरा एक छेद है जो एनस बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट वो निकालते हैं। तो ऐसा पूरा बॉडी में फैला हुआ, उसका पूरा बॉडी के सामने वाला से पीछे वाला हिस्सा में पूरा वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा यहां से यहां तक फैला हुआ है उसका बॉडी के अंदर, जिसको एलिमेंटरी कैनल कहते हैं। ट्रू एलिमेंटरी कैनल ये पहला ग्रुप है एनीलिडा, जिसमें ये ट्रू एलिमेंटरी कैनल जिसके अंदर दो बॉडी कैविटी ठीक से रहते हैं, ठीक है। ये भी इसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आगे वाला फाइलम में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखे थे उसमें नहीं था। नेक्स्ट नंबर फाइव, इसकी बॉडी में देखिए, इसकी बॉडी में लेकिन ब्लड वेसल रहते हैं, जो कि एक क्लोज्ड, एक उसका बॉडी स्ट्रक्चर के साथ एक उसका जो क्लोज्ड ब्लड, या आप लोग कह सकते हैं वास्कुलर सिस्टम जिसे कहते हैं, मतलब कि बॉडी के अंदर पूरा बॉडी में एक जाल की तरह पूरा फैला हुआ है इसका ब्लड वेसल्स, और सारा बॉडी के हर एक पार्ट्स में वो ब्लड फैलाने का काम करता है। तो ऐसा चीज भी पहले हम लोग
लोग एनिलिडा में देख रहे हैं, इससे आगे हम लोग देखे नहीं है। तो ये एक अनोखा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके लिए। नेक्स्ट नंबर सिक्स में देखिए, इनकी बॉडी में जैसे कि हम बोले हैं एक माउथ है और एक एनस है। ये जो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, इसका अलग से एक नाम दिया गया जिसका नाम है नेफ्रिडिया। तो एनिलिडा ग्रुप का, एनिलिडा फाइलम का एनिमल के बॉडी में नेफ्रिडिया नाम का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही एग्जाम में आते हैं कि नेफ्रिडिया कहाँ क्या है, कहाँ दिखाई देते हैं। तो नेफ्रिडिया इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फाउंड इन एनिलिडा। ओके, नेक्स्ट नंबर सेवन। नंबर सेवन में क्या बोले है देखिए, इसका बॉडी में एकदम नर्वस सिस्टम रहता है। जैसे कि हम लोग का बॉडी में नर्वस सिस्टम रहता है, इसकी बॉडी में भी नर्व्स रहता है जो पूरा बॉडी में फैला हुआ है। और बॉडी में जहां पे माउथ है उसके और ब्रेन में, उसका ब्रेन भी रहता है और उसका बॉडी में पूरा चारों तरफ उसका जो नर्व्स है वो फैला रहता है। और जो नर्व्स वेंट्रल नर्व्स होता है उसका नाम दिया गया गैंगीला। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स। रिप्रोडक्शन ये करते हैं या तो एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों ऑर्गन रहता है, नहीं तो अलग भी रह सकते हैं। तो ये सेक्सुअल प्रोसेस में इसका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इस, ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं मतलब ये पानी में रह सकता है, पानी में रहते हैं जो जो सॉल्टी वाटर है उसमें भी रहते हैं, और मेरिन वाटर या फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। और एक्वाटिक जो है, ज्यादा से ज्यादा एक्वाटिक है जो मेरिन वाटर या सॉल्टी वाटर जो भी कहो, और फ्रेश वाटर दोनों में ही रह सकते हैं। लेकिन कुछ है जो मिट्टी में भी रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं मतलब हम लोग यहाँ पे जो नाम लिखे हैं देखिए, लीच एंड आर्थवर्म, ये हम लोग के लिए बहुत ही जाने पहचाना है, इसीलिए हम इन दोनों का नाम लिखा है। लीच जो है हम लोग जानते हैं चारों तरफ देखते हैं, इधर उधर घूमते रहता है, और आर्थवर्म जो है वो सॉइल के नीचे रहते हैं, मिट्टी के नीचे अपना एक होल बना के रहते हैं और इन मिट्टी से ही अपना खाना लेते हैं। लेकिन लीच जो है ये खाना, ये लेकिन पैरासाइट टाइप का है जो कि हम लोगों का बॉडी में अगर अटक जाए किसी भी एनिमल्स का बॉडी में, चुपक के वो साफ करके उसकी बॉडी से खून चूस लेता है। तो ये है लीच एनाटॉम इसका एग्जांपल। तो ये आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये था एनिलिडा ग्रुप का डिस्क्रिप्शन। तो सारा डिस्क्रिप्शन, बहुत सारा इसका पॉइंट है, याद रखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो कि इन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास है, स्पेशल है, वो आप लोगों को याद रखना है। ओके, याद कर लीजिएगा ये लेसन। थैंक यू।